a very warm welcome all of you i hope you are doing well my name is nadim in this video we will learn about labor and their rights okay and uh, as you know that i am covering unit 2 which is economic concept i have taught about economy market Production, distribution, demand, and supply. In this video, we will learn labor and their rights. And then in upcoming videos, we will learn income and expenditure, liberalization, privatization, globalization, and industrialization. So let us start today's topic. Today's topic is very interesting that labor and their rights. Okay. What is labor? And according to this definition, in the economy, labor refers to the workforce comprising the individuals who provide their skills knowledge and service in exchange for compensation means to say whenever an individual whenever an individual provide their skills knowledge or services in exchange of compensation he or she called labor labor जो होता है वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड कराता है किसी भी अपने क्लाइंट को अपनी नॉलेज प्रोवाइड कराता है और साथ ही क्या अपनी सर्विस देता है और बदले में उसके क्या लेता है वो बदले में उसके मनी लेता है ठीक है या जो भी वहाँ पर पर्टिकुलर करंटी करंट्री की जो करेंसी होती है वो लेता है ठीक है या फिर कुछ और एक्सचेंज भी, भी हो सकता है किसी एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हो सकता है किसी लेबर के बिटवीन जैसे पहले हुआ करता था बाटर सिस्टम के अंदर ओके तो वो क्या ओन होता है लेबर होता है जो क्या प्रोवाइड कराता है स्किल्स प्रोवाइड कराता है नॉलेज प्रोवाइड कराता है और सर्विस प्रोवाइड कराता है अब स्किल्स के लिए देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर कोई मकैनिक है वो माहिर है किसी चीज़ को रिपेयरिंग में बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में तो वो क्या कर रहा है वो स्किल्स का यूज़ कर रहा है वो स्किल सेट जो उसके पास है उसका वो प्रोवाइड करा रहा है किसको अपने क्लाइंट को या फिर जो उसकी डिमांड

डॉक्टर हो सकता है वो क्या करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि उनको बाद में क्या मिलना है एक कंपनसेशन मिलना है एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है उसको प्रोवाइड कराने के बाद और ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहते हैं लेबर कहते हैं ओके सो अब देखते हैं लेबर राइट्स के बारे में तो लेबर राइट्स आर ऑफन सब्जेक्ट्स ऑफ डिबेट एंड कंटेंशन एज लेबरर्स फेस वेरियस चैलेंजेस वेरियस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशन वर्किंग कंडीशन वेजेस एंड जॉब सिक्योरिटी इन सब को लेकर जो है काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो लेबर के लाइफ में होते हैं वो आज एक एम्प्लॉयड हैं लेकिन कल अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं तो और भी सारे चेंजेस जो उनके लाइफ में होते हैं वेजेस को लेकर के हो सकते हैं कि मिनिमम वेजेस जो है बेसिक पे उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है जॉब सिक्योरिटी कैसी है वर्किंग कंडीशन कैसी है या कंडीशन ऑफ वर्क कैसा है दो अलग अलग चीज़ें हैं कंडीशन ऑफ वर्क और वर्किंग कंडीशन दोनों में डिफरेंस होता है इसमें ऐसा होता है कि एक तो ये कि आपके जो अराउंडिंग सराउंडिंग्स है जो आपके पास को जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का कल्चर कैसा है प्रैक्टिस कैसे होती हैं चीज़ें वो वर्किंग कंडीशन के अंदर आएगी लेकिन कंडीशन ऑफ वर्क ये होता है कि किस किस आपको किन किन रूल और रेगुलेशन के साथ बंध के उस काम को करना होता है ठीक है तो ये सब क्या है चैलेंजेस होते हैं किसके सामने एक लेबर के सामने तो हम कुछ राइट्स के बारे में देखेंगे आज अपने इस वीडियो में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे लेबर्स के बारे में ठीक है और यह है हमारा पहला जो है लेबर राइट्स में है राइट टू वर्क यानी हर एक एक इंसान को एक ह्यूमन बीइंग को क्या है काम करने का अधिकार है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे कि हमारे पास अगर हम डीपीएसपी में जाएंगे तो स्टेट की भी रेस्पॉसिबिलिटी होती है किस चीज को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए आपने एक एक्ट के नाम के बारे में सुना होगा मनरेगा मनरेगा के अंदर यह होता है कि मनरेगा जो एक्ट आया था टू में आया था आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि कौन से ईयर में आया था ठीक है तो मनरेगा जो एक्ट आया था उसके आने के बाद जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कानून के तौर पर भी क्योंकि डीपीएसपी जो है आप आप नहीं है वो क्या कोर्ट में जा करके उसको क्लेम नहीं कर सकते लेकिन जब एक्ट बन गया तो गवर्नमेंट की क्या होती है? तो होती है है आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं तो क्या हुआ जब ये एक्ट बन गया मनरेगा तो मनरेगा बनने के बाद जो है गवर्नमेंट को हंड्रेड डेज का इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना जो भी मांग करते हैं इंप्ले, की उनको प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल हो गई है ना तो इसीलिए जो है क्या है राइट टू वर्क है हर एक इंसान को काम करने का अधिकार है फ्रीडम ऑफ चूज वन वंस ऑक्यूपेशन एंड टू एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी फॉर अब इसमें एक बहुत अच्छी बात है फ्रीडम टू चूज वंस ऑक्यूपेशन यानी कि हर एक इंसान को काम चुनने का भी अधिकार होना चाहिए उसको आज़ादी होनी चाहिए हमारे इंडियन सोसाइटी में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर्ड है जो मार्केट स्ट्रक्चर्ड है या फिर क्लास स्ट्रक्चर्ड है या कास्ट स्ट्रक्चर्ड है उसमें पर्टिकुलर डिफाइंड कर दी गई हैं चीज़ें कि आप पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यही काम करने होंगे आप पर्टिकुलर किसी क्लास से हैं तो आप यही काम करते हैं तो उसमें चूज़ ना अगर किसी इंडिविजुअल के पास चॉइस नहीं है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी सोसाइटी में जितने भी मोस्टली कास्ट बनी हुई हैं वो सब जो है उनके ऑक्यूपेशन के बिहार पर बनी हुई हैं जो नाम अलग, अलग अलग उनसे नामों से जानी जाती हैं अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है है ना और वहाँ पर जो है कोई पर्टिकुलर एक ही काम किया जाता है मान के चलो कपड़े सीने का काम किया जाता है उस पूरी कम्युनिटी के अंदर है ना उनको उसी नाम से बुलाया भी जाता है अगर वो चाहे कि नहीं मुझे तो मकैनिकल इंजीनियर बनना है मुझे तो गाड़ी का काम सीखना है तो वो क्या होगा अपने उसको फ्रीडम होनी चाहिए इतना कि वो उसको छोड़ करके भी अपना किसी और ऑक्यूपेशन को भी फॉलो करना चाहे तो कर सके ठीक है तो ये क्या है एक लेबर का राइट right होता है अधिकार होता है ठीक है एंड उसके बाद हाउ एवर नॉट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड दे एंड मेनी फेसिस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर जेंडर रेस एथनिसिटी एंड रिलीजन एज और डिसेबिलिटी इनके बिहाव पर भी जो है क्या है कि इंडिविजुअल जो होता है क्या करता है डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करता है किसके बिहार पर जेंडर के बिहाब पर आप मेल हैं कि फ़ीमेल हैं कुछ पर्टिकुलर जॉब जो हैं फीमेल ओरिएंटेड हो गई हैं कुछ पर्टिकुलर जॉब जो है मेल ओरिएंटेड हो गई हैं है है, तो वो सब क्या है कि जेंडर रीजन बन रहा है किसका डिस्क्रिमिनेशन का बेस्ड बेस्ड किसका बन रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन का क्या आपके इम्प्लॉयमेंट में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो जेंडर के बिहाब पर हो रहा है है ना जैसे बोलते हैं पिंक कॉलर पिंक कॉलर जॉब मतलब वो ऐसी जॉब जो, जो पर्टिकुलर वुमन को ही दी जाती है जैसे कि रिसेप्शन की और नर्स की ये सारी चीजें क्योंकि पर्टिकुलर अगर हम पिक्चर भी देखना शुरू करें तो हम जैसे डॉक्टर के नजर हम डॉक्टर बोलते हैं माइंड सेट हमारे इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है बा, बा, सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि जो लेडी लड़की जो होती है वो नर्स के रूप में दिखाई जाती है और जो लड़का होता है वो डॉक्टर के रूप में दिखाया जाता है तो उससे भी क्या होता है कि हमारे नोशन बन जाते हैं इस तरीके से माइंड में तो वो उससे क्या है फिर हम डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं आती हैं तो क्या है जेंडर भी हमारा क्या होता है कि पर्टिकुलर जेंडर की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और हमारी सोसाइटी में जैसे पुलिस की जॉब कहते हैं कि महिलाओं के लिए जॉब नहीं है आर्मी की जॉब कि महिलाओं के लिए जॉब नहीं है तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसके ब्या पर जेंडर के ब्या पर तो इस तरीके की भी चीज़ें देखी जाती हैं या फिर और अगर हम छोटे और एग्जाम्पल पर देखें जैसे मकैनिकल का है या और अदर चीज़ें हम ज़्यादातर लड़कियों को किस तरीके के ऑक्यूपेशन में देखते हैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स सेविंग कोर्स है ना जिसमें क्या कर रहे हैं वो वो सिलाई मशीन का काम सीख रहे हैं ब्यूटिफिकेशन का काम सीख रहे हैं सिर्फ या फिर किसी वीविंग का काम सीख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी काम सीख रहे हैं ये सब ही चीज़ें सीखते आ रहे हैं वो जेंडर के बिहाव पर डिवाइड हो रहा है अगर कोई उसको क्रॉस करता है तो उसको अलग समझा जाता है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बहाव पर भी ठीक है अब है रेस रेस के बारे में भी रेस के अकॉर्डिंग भी इसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जैसे आपको पता होगा मेजरली तीन बड़ी रेस हैं एक तो कोकेजियन है मंगलोइ है निग्रो है है ना इनके बिहाब पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है एथनीसिटी किस एथनिक से आप बिलोंग करते हैं रिलीजन रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिलीजन के ब्याह पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है एज के ब्या पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और डिसेबिलिटी के बिहार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ठीक है डिस्क्रिमिनेशन इन द प्लेस वेयर कैन टेक प्लेस वेरियस फॉर्म सच एज अन पे लड़की को अलग जो अलग पे करेंगे लड़कों को अलग पे करेंगे है ना तो ये भी क्या है अनईक्वल पे है जो कि हमारे डी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी है उसके खिलाफ है वहाँ पर इक्वल वेजेस की बात की गई है उसके बाद हेरासमेंट भी देखने को मिलता है हमें कि किस तरीके से हेरास किया जाता है और जो आपके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको भी या फिर आप पर्टिकुलर किसी जेंडर को भी टारगेट करके जो है हैरेसमेंट होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट हो साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट हो है ना इमोशनल हैरेसमेंट हो ये सब किए हैं वर्क प्लेस पर होते हैं लेकिन एक लेबर का क्या है एक अधिकार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का और जो है अपने अपने हक की बात को रखने का और एक्सक्लूजन भी एक्सक्लूजन भी कोई पर्टिकुलर किसी को अलग कर दिया जाता है फ्रॉम द सर्टेन जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज जैसे मैंने आपको बताया ठीक है लेकिन राइट टू वर्क क्या है एक इम्प्लॉय एक इंडिविजुअल का राइट right है अधिकार है ठीक है आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट राइट right है वो है राइट टू फेयर कंपनसेशन यानी हर एक इंडिविजुअल का ये अधिकार है कि उसको जो है सही भत्ता मिले सही पैसे मिले उसको जितना उसने लेबर किया है जितना उसने मेहनत किया है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है उसका वेजेस मिलना चाहिए तो विच इंक्लूड्स अ मिनिमम वेज तो मिनिमम वेज जो भी है वो उसको मिलना चाहिए ओवर टाइम अगर किया है तो उसका पे होना चाहिए बेनिफिट्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस रिटायरमेंट प्लान्स एंड पेड टाइम ऑफ यानी टाइम पर सब चीज़ें मिलें इंश्योरेंस मिले हेल्थ रिटायरमेंट अगर रिटायरमेंट होते तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजन्स हो जैसे इस पेंशन स्कीम्स वगैरह होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस भी मिले हेल्थ कवर भी बोलते हैं जिससे कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बीमार वगैरह हो जाता है वो या उसकी इमीडिएट फैमिली में किसी लेबर की आपने एक और सुना होगा ई एस आई ई एस आई कार्ड भी होते हैं ई ई एस आई कार्ड जो होते हैं तो उसमें भी ये होता है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है किसी कंपनी में तो उनका कार्ड वगैरह बन जाते हैं तो उस जो उस पर्टिकुलर उस ईसी ई सी एस आई आई गैस आप एक बार मैं एक बार आपको बता दूँगा कंफर्म कमेंट बॉक्स में कि उसका फ़ॉर्म है ई एस आई है तो उसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में काम करता है तो उसका कार्ड बन जाता है उसका और उसकी इमीडिएट फैमिली इमीडिएट फैमिली में कौन कौन होते हैं एक तो उसके हस्बैंड एक तो वो उसकी अगर वो वाइफ है उसकी कोई वाइफ है तो वो और साथ ही उसके पेरेंट्स ये दोनों क्या है इमीडिएट में होते हैं ना कि उसके ब्रदर और सिस्टर तो ये नहीं होते तो उसको क्या होता है हेल्थ कवर भी मिलता है जो गवर्नमेंट के या फिर जो है पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट हैं जो ई वर्किंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको मिलता है तो इस तरीके की चीज़ें भी होना चाहिए क्या है एक लेबर का अधिकार है फेयर कंपनसेशन एसेंशियल टू एंश्योर दैट लेबर कैन मीट देयर बेसिक नीड्स एंड मेंटेन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मतलब इतना तो चाहिए हो रही इसमें कि खाना रोटी कपड़ा मकान ये सब चीजें ट्रैवल का ये सब चीजें क्या है उसका कम से कम कंप्लीट होना चाहिए और एक मेंटेन कर सके अपनी एक दिसेंट, दिसेंट, कि अच्छी सालीन ऐसी नहीं कि बहुत हाई प्रोफाइल इतना भी नहीं बहुत लो तो दिसेंट दिसेंट उसकी मेंटेन होनी चाहिए कितना है कि राइट टू फेयर कंपनसेशन होना चाहिए मार्केट में महंगाई के अकॉर्डिंग भी उसका क्या होना चाहिए fair compensation होना होना चाहिए चाहिए ये उसका अधिकार 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 है का अधिकार है है किसका का उसके बाद right और वर्किंग कंडीशन भी जो है healthy होनी चाहिए तो ये भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है केमिकल का बहुत ओवर यूज होता है उसके वैसे एक इंडिविजुअल जो अगर कहीं नॉन नॉन केमिकल कंपनी में काम करता है तो मान के चलो 10 15 20 साल तक काम कर पाएगा इजीली लेकिन अगर वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा केमिकल का है ब, ब, केमिकल के वजह से क्या होता है कि उसके जो उसको कंज्यूम करने के वजह से वो इन्हील करता है तो उससे उसको अलग अलग बीमारियाँ पहनना होना शुरू हो जाती हैं तो उसके लिए क्या सेफ वो सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं कहाँ वो बीस साल की सर्विस कर सकता था अपनी नॉन नॉन केमिकल हेजार्डस इंडस्ट्री में अब वो यहाँ पर सिर्फ पाँच या छः साल ही कर पाएगा क्योंकि उसको जो है उससे क्या हो रहा है उसको नुकसान हो रहा है उसको उस केमिकल के वजह से तो ऐसा इंश्योर करना चाहिए जिस भी वो फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे हैं उसके ओनर को एक ऐसा प्रोविजन रखना चाहिए ऐसा ऐसा मेंटेन करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि जो है हमारा जो लेबर है उसके रह, सेफ्टी भी रहे और उसकी हेल्थ भी जो है अच्छी रहे उसकी हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी वहाँ की होना चाहिए ठीक है दिस इंक्लूड्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल जैसे मैंने बोला आपके फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड एरगो एर्गोनॉमिक हजार्स एज वेल एज एक्सेस एस टू ट्रेनिंग एंड इफॉर्मेशन वर्क प्लेस वर्क प्लेस सेफ्टी यानी कि ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए वर्क प्लेस सेफ्टी वगैरह को लेकर ही क्या होते हैं ये सब किसके अधिकार हैं एक लेबर के अधिकार हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हमारा राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन ये भी किसका अधिकार है ये एक एक लेबर का अधिकार है लेकिन हर इंडस्ट्री में नहीं मिलता है कुछ में जो है एक्सेप्शन है जहाँ पर आप इस तरीके से बारगेनिंग नहीं कर सकते हैं कैसे यूनियन नहीं बना सकते हैं एक प्राइम एग्जाम्पल दे के चलूँ आपको तो एक पुलिस का एक बता सकता हूँ मैं क्योंकि पुलिस के अंदर इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग करना या फिर अपना आपको धरना पे बैठ जाना ये सब जो है उनको अलाउ नहीं होता है उनकी रूल ऑफ ड्यूटी के अंदर ये मेंशन होता है पहले से और भी काफी हैं ऐसी पर जो है आपको इस तरीके की चीजें नहीं मिलती है राइट टू कलेक्टिव बारगेनिंग एंड टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन क्या है अधिकार है एक लेबर का उससे क्या करें? नेगोशिएट करें नेगोशेट करें, किससे करें? करें कि जो कंपनी का ओनर है मालिक ओनर है उनसे क्या करें वो कंपन बात करें और उससे जो है अपने अगर अपनी डिमांड है फॉर एग्जांपल जो भी हमने पीछे बात की है राइट टू फेयर कंपनसेशन की बात की है राइट टू हेल्थ की बात की है ना राइट right टू उसके बारे में अगर एक्सप्लेक्टेशन होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तो जितना भी अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसमें आप क्या करें कलेक्टिवली फॉर्म हो एसोसिएशन बनाएं या यूनियन बनाएं यूनियन बनाने के बाद जो है अपनी डिमांड को रखें या तो आप सरकार से डिमांड से रखें या फिर आप जो है पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उससे डिमांड रखें क्या है आपके अधिकार हैं इनसे क्या होता है ऐसे यूनियन बनाने से उनसे डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनके साथ जो हो रहा है उनके साथ भेदभाव हो रहा है या उनका जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसको चांसेस हैं कम हो क्योंकि अगर जितना यूनियन यूनियन उनके अंदर यूनिट रहेगी उनके जितना वो एकदम एक, एक जुड़ के रहेंगे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएंगे कलेक्टिवली बार्गेनिंग करेंगे तो उसका असर जल्दी होगा और जो है आपकी मांगे भी मान ली जाएँ तो इससे एक बेहतर वर्क प्लेस बनता है और एडवोकेट कर सकते हैं उन यूनियन के थ्रू राइट्स का अपने इंटरेस्ट को दिखाने के लिए कि क्या क्या हमारे इंटरेस्ट हैं हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए ठीक है अब देखते हैं क्या है कि टू नेगोशिएट देर वर्किंग कंडीशन वेजेस इन देयर इंप्लॉयमेंट वेजेस को लेकर भी वर्किंग कंडीशन को लेकर भी क्या कर सकते हैं मांग कर सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एसेंशियल क्या है एसेंशियल टू एंश्योर दैट लेबर्स हैव अ वॉइस इन देयर वर्क प्लेस एंड कैन एडवोकेट फॉर देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट अपनी वो एडवोकेट कर सकें किसके बारे में अपने राइट्स के बारे में और अपने इंटरेस्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया हाव एवर इन मैनी कंट्रीज यूनियन आर प्रोहिबिटेड ये तो मेजरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही यूनियन एसोसिएशन बनती हैं बनाई जाती हैं लेबर्स की लेकिन बहुत जो अलग कंट्रीज़ हैं काफ़ी वहाँ पर जो है इस तरीके की यूनियंस आप नहीं बना सकते हैं प्रोहिबिटेड हैं जो कि लेबर के अगेंस्ट जाती है क्योंकि इससे आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते जो आपका एक्सप्लोटेशन कर रहा है तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है अगर कहीं पर नहीं होता है तो ऐसा and and repressal, repressal जब भी वो तरीके कुछ करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है या हटा दिया जाता है अगर ऐसा वो करते हैं जहां पर वे बैन होती है ठीक है लेकिन इंडिया के अंदर आपके पास से अधिकार है राइट टू कलेक्टिव बारगेनिंग का फ्रॉम टू यूनियंस और एसोसिएशन ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज अब हम बात कर लेंगे इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से आपसे पर्टिकुलर एक्ट पूछा जा सकता है कि पेमेंट ऑफ वेज एक्ट कब आया था 1936, 37, 47 इस तरीके से आपके ऑप्शन होंगे तो ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़े के जाएँ मैंने कोशिश की है इन सबको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए ताकि आप याद रखें ऐसा भी होता है कि आपको तीन से चार एक्ट दे दिए जाएंगे और आपसे बोल दिया जाएगा कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया ता ठीक है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड ठीक है ध्यान से देखना अब इसको पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये 30 सिक्स में आया था उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फोर्टी अब ये सोचो कि इंडस्ट्री इसको कुछ याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स टाइप्स भी बना सकते हो आप अगर चाहो तो जैसे ये था फोटी सेवन का आप मान के चलो कि हमारा जो डिपार्टिशन हुआ था या हमें आज़ादी मिली थी नाइनटीन में मिली थी और डिस्प्यूट हुआ था पूरे देश में जिससे कि दो दो कंट्री बन गई थी तो डिस्प्यूट से याद रख सकते हो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन ठीक है फिर उसके बाद जब हमारा डिस्प्यूट सोल्व हुआ तो हम मिनिमम वेजेस पर आ गए थे कि हमें अब डिस्प्यूट हमारा अब सोल्व हो चुका है अब डिस्प्यूट किस बात पर सोल्व हुआ था कि हमें जो मिनिमम वेज क्ट मिलनी चाहिए मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए वो हम अगले साल पास हो गया था तो 1948, ठीक है, सेम ही उसी टाइम पर क्या हुआ एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस अब एम्प्लॉई को भी क्या करना है को चाहिए इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस भी उसी साल में चाहिए तो वो भी नाइनटीन फोर्टी फिर उसके बाद है प्रोविडेंट फंड 1952. उसके बाद बोनस देखो बोनस वगैरह की बात ग्रेचुटी की बात तो बहुत बाद में ही आएंगे ना शुरुआत में तो हमारा डिस्प्यूट रहा पहले तो हम पेमेंट हो कि पेमेंट के अपरूप क्या हो उसके बाद जो हमारा कुछ डिस्प्यूट हो गया था 1947 में कि हमें मिनिमम वेजेस चाहिए चलो वो डिस्प्यूट खत्म हुआ तो हमने मिनिमम वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस लेने के लिए हमारे एक कानून बन गया अगले साल उससे अगले उसी साल में क्या हुआ हमने कहा इंश्योरेंस भी चाहिए हमें जितने हमारे लेबर्स हैं उनके साथ इनको इंश्योरेंस भी चाहिए तो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आएगा उसके बाद आपको प्रोविडेंट फंड भी मिलना चाहिए जो पी एफ बोलते हैं तो वो आपका चार साल बाद आया यानी कि प्रोविडेंट फंड नाइनटीन फोर्टी टू लेकिन जब अब ये बेसिक बेसिक चीजें हमारी हो गई तो हमने बात करने लगे हमें बोनस भी चाहिए तो बोनस एक्ट आया हमारा नाइनटीन सिक्सटी फाइव में फिर ग्रेचुटी ग्रेजुएटी 1972 उसके बाद रिम्यूनरेशन 1976 और मैटरनिटी बेनिफिट्स जिस एक्ट नाइन ट्वेंटी सेवनटीन में आए जिसमें वुमेन को जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स रिलीफ भी दिया जाता है कि वो उस टाइम पर प्रेगनेंसी के टाइम पर डिलीवरी के टाइम पर उनको ऑफ मिल जाता है मैटरनिटी बेनिफिट्स ठीक है और इसमें एक डी का आर्टिकल है आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है आप मुझे ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है जो मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करता है ठीक है मैं चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ भी लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ लें थोड़ा सा रिसर्च कर लें थोड़ा गूगल पर देख लें ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए उसके बाद कोड ऑन वेजिस एक्ट ट्वेंटी ठीक है ये मैंने पूरा क्रोनोलॉजी में समझाया आपको इसको एक बार याद रखने की कोशिश करना अपने हिसाब से भी कुछ निमोनिक्स वगैरह तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो याद रखने के लिए ठीक है अब अगला है आपसे क्वेश्चन ये कि इंटरनेशनल लेबर डे कौन सा है कब है कब बनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी ठीक है और आई एल ओ के बारे में थोड़ा आई एल ओ की जो ट्रीटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेना इंटरनेशनल डे कब बनाया जाता है और इस बार किसकी थीम कहती है तुम्हारे से क्वेश्चन है दो क्वेश्चन मैंने पूछे मैंने पहला ये कि डी पी एस पी में मेटर्निटी बेनिफिट रिलीफ के लिए कौन सी आर्टिकल है जो बात करता है वो चलो डी पी एस पी में ये भी बता देता हूँ मैं डी पी एस पी में है आर्टिकल फोर्टी से अबोव है और ईजी कर दिया तुम्हारे लिए ठीक है अब उसके बाद क्या है हमारा इंटरनेशनल लेबर डे अब इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाया जाता है इंडिया में और उसके बाद थीम क्या है तो मैनी इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है और उसकी थीम क्या है ठीक है उसके बाद ये रहा इस वीडियो का एंड सो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियोस अपकमिंग आती रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को उसको लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है तो ठीक है हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही मैं ये भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ इस वीडियो में अगर आपको कम्प्लीट नोट चाहिए ठीक है अगर आपको कम्प्लीट कम्प्लीट नोट्स चाहिए ना अगर आपको कम्प्लीट नोट्स चाहिए पूरी नाइन यूनिट के अगर आपको कंप्लीट नो यूनिट क्योंकि देखो मैं भी बहुत बिजी हूँ मेरा एग्ज़ाम भी चल रहे हैं थ्योरी क्लासेस भी हैं डिपर डिजर्टेशन भी लिख रहा हूँ तो वो सब वीडियो बना पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल चैलेंजिंग हो जा रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे कल ईद थी उसके बाद भी इमीडिएटली मैं आज भी बना रहा हूँ ये वीडियो ताकि आप तक चीज़ें पहुँच जाए मैं अपनी तरफ से कोई डिले नहीं करूँगा जब तक मेरे पास टाइम है मैं इमीडिएटली बनाऊँगा उसके लिए कोई मुझे दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अभी क्या है मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है एग्ज़ाम की आपकी पाँच से बारह जून के बीच में आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो है मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीट जो है मैंने कंप्लीट नोट बनाए हैं पूरे नौ यूनिट के लेकिन आपके सिलेबस में नाइन यूनिट मैंशन है बट मैं दूंगा आपको नाइन प्लस वन यानी कि आपको दूंगा मैं दस यूनिट कितने यूनिट दूंगा दस यूनिट कंप्लीट टेन यूनिट्स दूंगा और जो टेन यूनिट है वो मैंने खुद की डिज़ाइन की है प्रवेशर के क्वेश्चन पेपर्स को लिए जो मैं थीम मेजरली पूछी जाती है यहाँ से वहाँ से मैंने उसको डिज़ाइन किया है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप यूनिट से थोड़ा बाहर जाते हैं यूनिट नाइन से अगर जो मैंशन सिलेबस में है उससे बाहर अगर कहीं क्वेश्चन बनता है तो यूनिट टेन में से उसके बहुत ज़्यादा चांसेस कि उसका कवर अप हो जाने का ठीक है तो मैं ये पेड नोट्स हैं मैं आपको बता दूँ आप ये हैं पेड नोट्स हैं ये आप अगर इसको लेने के लिए मुझे मेरे चैनल मेरा जो वो है अकेडमिया अकेडमिया स्वैट मेरा जी मेल आई डी है अकेडमिया स्वैट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस पर मेरा आप मुझे टैक्स कर सकते हैं हाई कर सकते हैं फिर जो है मैं आपको इसको पे कर दूंगा अभी जो ईद का ऑफर है जैसे मैंने बताया था इसका तो थाउजेंड रुपीज़ है बट मैं जो है इसको एट हंड्रेड रुपीज़ में जो है आपको दे दूंगा कम्प्लीट नाइन प्लस वन जो हमारे यूनिट्स हैं ये इसको आपको दे दूँगा सो थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर Bye bye.